अगर आप ये पब्लिकेशन से अगर इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। दोस्तों, हमको बहुत दिन से क्वेरीज आ रही थी कि सर, इंजीनियर्स अकेडमी का जो MCQ है उसका रिव्यू कीजिए, और बहुत लोगों को इसको परचेस करने में कठिनाइयां आ रही थी कि कहां से परचेस कर सकते हैं और किस किस एग्ज़ाम के लिए ये जो है MCQ है। तो इसको रिव्यू करने के लिए मैंने इंजीनियर्स एकेडमी का ही हेल्प लिया है, क्योंकि इंजीनियर्स एकेडमी के फैकल्टी यानी कि वहाँ के सर के द्वारा इसका रिव्यू किया गया है, क्योंकि उनके पास स्मार्ट बोर्ड है ना, तो इसको रिव्यू करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होती है, हमको रिव्यू करने में दिक्कत लगती है। तो इंजीनियर्स एकेडमी का ही हेल्प लिया है, और मैंने इंजीनियर्स एकेडमी के डायरेक्टर सर से इजाज़त ले लिया है कि क्या मैं उस वीडियो को अपने चैनल पे अपलोड कर सकता हूँ क्या, जो इंजीनियर्स एकेडमी के फैकल्टी द्वारा रिव्यू किया गया है, ताकि जितने भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनको सही जानकारी मिल सके। तो वे बोलें कि ठीक है, अपलोड कर लो। तो चलिए उसको मैं प्ले करता हूँ। उसमें ये बताया गया है कि आप कहाँ से परचेस कर सकते हो और उसका कंटेंट अंदर का क्या है और ये किस किस एग्ज़ाम के लिए है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सो लेट्स गो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आपके लिए फिर से मैं एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट लेके आया हूँ, एक बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। जो बच्चे बुक्स को लेके बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, इन द पर्टिकुलरली इन सिविल इंजीनियरिंग, कि कहाँ से खरीदें, कौन सी पब्लिकेशन की खरीदें, क्या ये इसके लिए यूजफुल होगी, क्या इस एग्जाम के लिए यूजफुल होगी, तो ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं आज के लिए आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इंफॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। चलो शुरू करते हैं। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सिविल इंजीनियरिंग की जो MCQ की जो बुक है इंजीनियर्स एकेडमी की, जो कि यूजफुल रहेगी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम के लिए, जूनियर इंजीनियर के एग्जाम के लिए। कोई भी आपकी PSUs का एग्जाम है या कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है या RRB, JEE एंड मेट्रो एग्जाम्स, मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए। सो कौन सी बुक है ये? हमारी Volume 1 एंड Volume 2 की बुक है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं Volume 1 क्या है, Volume 2 क्या है। देखिए Volume 1 में ऐसा कुछ आपका बुक होगा, ये हमने एक कंटेंट आपको दिखाया है। कंटेंट में क्या मिलेगा आपको, जैसे कि देखिए Unit 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7, ठीक है। कैसा कंटेंट मिलेगा आपको, जैसे यूनिट वन है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जिसमें आपके फिर चैप्टर्स लाइक ब्रिक्स, स्टोन, सीमेंट, लाइम एंड मोर्टार लाइक दैट एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, एंड लास्ट में मिसलेनियस का भी आपको चैप्टर मिलने वाला है। इसी तरीके से Unit 2 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में जो भी चैप्टर्स रहेंगे, Unit 3 में स्ट्रक्चर ऑफ एनालिसिस जो भी आपके चैप्टर्स रहेंगे, Unit 4 डिजाइन एंड स्टील स्ट्रक्चर, RCC डिजाइन पार्ट एंड CPM एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, तो इसमें पर्टिकुलर आपको ऐसे कंटेंट मिलेगा और ऐसे ऐसे चैप्टर आपके डिवाइड रहेंगे। ये आपका Volume 1, ठीक है। अगर Volume 2 की बात करें तो Volume 2 में जैसे कि आपका फ्लूड मैकेनिक्स, हाइड्रोलॉजी, इरीगेशन, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, सोइल मैकेनिक्स, सर्वेइंग इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, Volume 1 एंड Volume 2 इस तरीके से हमने डिवाइड किया है। यहाँ पे बहुत ही बेस्ट बुक है MCQs की, हर एक एग्जाम के लिए यह यूजफुल रहेगी। अब बात आती है सर, इस बुक को हम कहाँ कहाँ से परचेज कर सकते हैं? सो डियर स्टूडेंट्स, ये EA पब्लिकेशंस पे से भी आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। ये बुक फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है और अमेजोन पे भी ये बुक आपके लिए अवेलेबल है, डेफिनेटली अवेलेबल है। तो आप इन प्लेटफॉर्म से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। अब अगर आप EA पब्लिकेशन से अगर इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा? आप यहाँ पे जो डायरेक्ट नंबर है, मैं एक बार नंबर रिपीट कर देता हूँ, 8000969700 इज द नंबर। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 8000969700 ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आप डायरेक्ट फोन करके भी परचेज कर सकते हैं, या आप हमारी जो पब्लिकेशन की वेबसाइट है www.eapublication.org पे भी जाके इस बुक को डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम स्पेशली फॉर द सिविल इंजीनियरिंग कि हम कौन सा बुक खरीदें, कौन सा नहीं खरीदें, कौन से एग्जाम के लिए यूजफुल है नहीं है, मैंने डिटेल में आपको डिस्कस कर दिया है। होप
आई होप कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सेक्शन, अगर कोई सजेशन है आपके दिमाग में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अगली वीडियो का कीजिए इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.